subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पीड टेस्ट 35B। हम एसएससी स्पीड टेस्ट पे बात करने वाले हैं जिसका नंबर है 35B। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में इंग्लिश के क्वेश्चंस की शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक। तो आज हम इस स्पीड टेस्ट के भी क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंग्लिश के सेक्शन पे आज हम बात करेंगे। इंग्लिश से रिलेटेड कुछ धमाकेदार से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे बात करेंगे इस पर्टिकुलर एसटीसी दैट इज 35B। सो बेसिकली सबसे पहले आप सभी क्या करिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए भाई, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नया दिखे, कोई भी वर्ड आपको नया दिखे, राइट इट डाउन, उसे तुरंत राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि वो प्रीवियसली एग्जाम्स में आ चुके हैं। एसटी में आपके लिए हमेशा वही क्वेश्चंस रखे जाते हैं जो प्रीवियसली एग्जाम में आ चुके हैं और साथ ही साथ जो क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है, हमेशा इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो सभी रेडी हैं, सभी रेडी हैं, शुरू किया जाए। चल शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 हमारे सामने है। आपको जैसे ये वीडियो मिलता है आप एक बार पॉज करिए, अपने अकॉर्डिंग आंसर पिक करिए, उसके बाद ही आप आंसर के सॉल्यूशन पे जाइए, ठीक है। हम प्रॉपर पोस्टमार्टम करेंगे, हम सिर्फ आंसर ही नहीं जानेंगे, हम सारे ऑप्शंस को जानेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस एंड मार्क योर आंसर। अब यहाँ पे जो ये गिवन सेंटेंस है इसके लिए एक वर्ड आपको चूज करना है, मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें टू बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ, मतलब एक टाइप से फॉलो करना, बिलीव करना किसी प्रैक्टिस में, इसको हम क्या बोल सकते हैं एक वर्ड में। वैसे एडहियर वर्ड सबसे अच्छा है यहाँ पे। एडहियर का मतलब क्या होता है, पालन करना, पालन करना, और यही हमारा आंसर भी होने वाला है क्योंकि अगर मैं एसेंट की बात करूं तो एसेंट कहीं ना कहीं सहमति से जाएगा, सहमति एसेंट से रिलेट करेगा। एश्योर का मतलब होता है सामने वाले को एश्योर करना, भरोसा दिलाना, और अडॉप्ट का मीनिंग क्या होता है, अडॉप्ट मीन्स अनुकूल बनाना, किसी भी सिचुएशन या कंडीशन के अकॉर्डिंग अनुकूल बनाना, दैट इज कॉल्ड अडॉप्ट। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज एडहियर, आंसर हमारा जाने वाला है फोर्थ पार्ट। चल आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क योर आंसर। अब यहाँ पे जो एरिड वर्ड है ना, इसका आपको क्या बताना है, सैनोनिम बताना है, ठीक है। वैसे एरिड का मतलब होता है सूखा, सूखा, एरिड को हम रिलेट कर सकते हैं सूखे से, कुछ भी ऐसा जो सूखा है या फिर जो फर्टाइल नहीं है, That is infertile, ठीक है। जहां पे मान लीजिए सूखा पड़ा हुआ है, बारिश ही नहीं हो रही, तो वो लैंड फर्टाइल कैसे होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एरिड को हम सूखे से रिलेट कर सकते हैं, शुष्क से रिलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ इनफर्टाइल से भी रिलेट कर सकते हैं, जो कि जमीन ऐसी है जो सूखी है, उपजाऊ नहीं, उससे भी हम एरिड को रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका जो आंसर जाने वाला है दैट वुड बी वॉट, थर्ड पार्ट, इनफर्टाइल वुड बी द करेक्ट आंसर। फॉर अदर ऑप्शंस अगर हम देखें यहाँ पे, बाकी के ऑप्शंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो काफ़ी कॉमन से वर्ड्स हैं, लाइक इन इन, इन इन बहुत ही प्यारा वर्ड है और इसका मतलब होता है ऊट पटांग। इसका मतलब क्या होता है, ऊट पटांग, जैसे बोलते हैं ना ऊट पटांग, अजीब सी बातें करना, क्या भाई ऊट पटांग बातें कर रहे हो, अजीब सी बातें कर रहे हो, तो इन इन से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। रफ को हम खुदरे से रिलेट कर सकते हैं या फिर कठोर से रिलेट कर सकते हैं। लश को हम कहीं ना कहीं आलीशान से रिलेट कर सकते हैं, आलीशान, लश, ठीक है। अब यहां से आंसर आपका जाने वाला है क्या, आंसर आपका जाने वाला है थर्ड पार्ट, इनफर्टाइल वुड बी दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस। देखो बेसिकली क्या होता है, जब आपको एक्टिव में स्टेटमेंट दिया होता है तो आपको पैसिव बताना होता है ऑप्शंस के थ्रू,
और जब आपको पैसिव में स्ट्रक्चर दिया होता है तो आपको एक्टिव वाला स्ट्रक्चर बताना होता है। आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द पैसिव एक्टिव वॉइस एंड मार्क योर आंसर। अब यहाँ पे क्या है कि ही हैड कॉल्ड मी अ फूल, ही हैड कॉल्ड मी अ फूल, ये स्ट्रक्चर एक्टिव में, अब इसका पैसिव बताना है। देखो बेसिक सी चीज ये है कि जब एक्टिव में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है तो पैसिव में हैड बीन का यूज होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव स्ट्रक्चर होगा, ये होगा क्या पैसिव स्ट्रक्चर, ये हम सबको पता है, यस और नो? ठीक है, तो अब अगर ये पैसिव स्ट्रक्चर होगा तो यहाँ पे वॉज वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, वॉज वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, एम वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, हैड बीन कॉल्ड यहाँ भी दिया और हैड बीन कॉल्ड यहाँ भी दिया, मतलब थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें स्ट्रक्चर के बेस पे, अगर हम देखें आई हैड बीन कॉल्ड अ फूल बाय हिम, सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर हमारा यही जाने वाला है, आई हैड बीन कॉल्ड अ फूल बाय हिम, कुछ ऐसा, क्योंकि अगर हम देखें आई हैड बीन कॉल्ड बाय हिम अ फूल, अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, तो मीन्स ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर हमारा जाएगा थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर एंड मार्क योर आंसर करस्पॉन्डिंग टू अप्रोप्रिएट लेटर ए बी सी, इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर करस्पॉन्डिंग टू बी। मतलब आपके पास एरर डिटेक्शन का एक क्वेश्चन है, बेसिकली क्या है आपके पास एरर डिटेक्शन का एक क्वेश्चन है, अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और बताइए किस पार्ट में आपको एरर दिख रहा है। हाउ इज इट दैट नीदर योर फ्रेंड महेश नॉर हिज ब्रदर रमेश हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, मतलब ऐसा कैसे हुआ भाई कि ना तो आपका जो फ्रेंड है महेश और ना ही आपका ब्रदर रमेश, दोनों में से किसी ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया। देखो जब भी हम इधर और की बात करते हैं या फिर हम नेदर नोर की बात करते हैं, इसको हम आइदर और नाइदर नोर भी बोलते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो हमेशा याद रखना जो सेकेंड वाला सब्जेक्ट होता है ना, सेकेंड सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब सेकेंड सब्जेक्ट अगर मीन्स नोर के बाद वाला जो पार्ट है, नोर के बाद वाला जो पार्ट है या और के बाद वाला जो पार्ट है, नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में बट ऑल्सो के बाद वाला जो पार्ट है, जो सेकेंड सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज होगा, और सेकेंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और सेकेंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम देखें तो नॉर के बाद हिज ब्रदर रमेश आ रहा है, और अगर मैं हिज ब्रदर रमेश की बात कर रहा हूं तो ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, हिज ब्रदर रमेश अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो हमारा आंसर क्या जाने वाला है, बी पार्ट, सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं ना बिल्कुल सभी का 100% सिक्सर लग रहा है, वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस एंड मार्क योर आंसर। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे सामने है, अगर आप ध्यान से देखें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे सामने, और हमें करना क्या है, हमें कोई एक वर्ड चूज करना है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए, हमें क्या करना है, कोई एक वर्ड चूज करना है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए, तो एक वर्ड क्या होना चाहिए, लाइक अगर हम देखें अकरिंग एट इररेगुलर इंटरवल्स, कुछ भी ऐसा जो इररेगुलर इंटरवल्स पे हो रहा है, अकर हो रहा है, उसको एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, एपिडेमिक बोल सकते हैं, एंडेमिक बोल सकते हैं, टेम्पोरल बोल सकते हैं, स्पोरैडिक बोल सकते हैं, आपको ये बताना है कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, एक बार देखिए अपने अकॉर्डिंग और पिक करिए अपना आंसर, जो भी आपको आंसर लग रहा है फटाफट पिक कर दो। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम देखें, अगर हम एपिडेमिक की बात करें, एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, महामारी होता है, महामारी, एपिडेमिक मींस क्या हो गया, महामारी हो गया।
एंडेमिक मतलब होता है स्थानिक। एंडेमिक को हम रिलेट कर सकते हैं किससे? स्थानिक से। स्थानिक ठीक है। और अगर मैं बात करूं टेम्पोरल की, टेम्पोरल का जो एक्चुअल मीनिंग होता है दैट इज व्हाट, टेम्पोरल को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब होता है कालिक, टाइम को रिलेट करेगा कहीं ना कहीं। और अगर हम स्पॉर्डिक की बात करें तो इसका मतलब हो गया छिटपुट, छिटपुट मतलब बीच बीच में कुछ भी छुटपुट तरीके से हो रहा है उसको। तो अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स, स्पोरेडिक से हम सीधे सीधे इसको रिलेट कर सकते हैं। और हमारा आंसर जाने वाला है, ऑफ कोर्स हमारा आंसर जाएगा फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड मार्क योर आंसर करस्पॉन्डिंग टू द अप्रोप्रिएट लेटर ए बी सी। इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर करस्पॉन्डिंग टू डी। अब यहाँ पे एक एरर डिटेक्शन का हमारे सामने क्वेश्चन, एक एरर डिटेक्शन का हमारे सामने क्वेश्चन है और हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में प्रॉब्लम है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आंसर हमारा जाएगा डी पार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, द मोमेंट अर्चना वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हर पेरेंट्स। अब यहाँ पे द मोमेंट अर्चना एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, यहाँ पे द सुपर प्लेस हो रहा है ना, द अपने आप में सुपर प्लेस हो रहा है, ठीक है। एडमिटेड टू हॉस्पिटल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा। So the moment Archana was admitted to hospital, the warden decided to inform her parents. आपका जो actual answer यहाँ से जाने वाला है that would be second part. Second part would be the correct answer. और second part में जो ये the का use है ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, wrong हो जाएगा। The hospital की जगह हम hospital का use करेंगे तब ये structure correct होगा और answer हमारा of course second part जाएगा। और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का लग रहा है सिक्सर, वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं, मेडिटेशन इज डैश वे टू काम योर नर्व्स। मतलब मेडिटेशन क्या है, एक डैश वे है आपकी नर्व्स को काम करने के लिए, आपको शांति देने के लिए, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे अब बेस्ट तो आएगा नहीं। अगर यहाँ पे वेज होता मतलब प्लूरल नाउन होता तो वन ऑफ द बेस्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वे दिया हुआ है, एन बेस्ड का भी कोई चांस नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास जो हो सकता है, दैट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और स्ट्रक्चर क्या गया हमारा, मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू काम योर नर्व्स। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू काम योर नर्व्स, मतलब मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है आपकी नर्व्स को काम डाउन करने का, आपको अंदर से शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस एंड मार्क योर आंसर। बेसिकली आपका स्टेटमेंट जो है वो एक्टिव में ही है और आपको इसका पैसिव बताना है। आपका स्टेटमेंट एक्टिव में और आपको इसका पैसिव बताना है। आई एम टू हेल्प यू विद मनी, आई एम टू हेल्प यू इन विद मनी। अब यहाँ पे क्या इसका पैसिव क्या होगा आपको ये बताना है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, आई एम टू हेल्प यू विद मनी मतलब मैं आपकी मदद करने वाला हूँ पैसे से, कुछ ऐसा ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब इसका पैसिव क्या होने वाला है, तो पैसिव को हम आई एम को यू आर से रिलेट करेंगे, यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, भाई सीधी सी बात है। तो यू वर तो होगा नहीं भाई, टेंस चेंज नहीं होता पैसिव में, स्ट्रक्चर बदलता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं लेकिन टेंस चेंज नहीं होता। तो यू शुड और यू वर ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, यू आर होना चाहिए। यू आर टू बी हेल्प्ड विद मनी बाय मी, सबसे अच्छा स्ट्रक्चर ये है। वैसे हो तो हमारा भी ऑप्शन भी सकता है, यू आर टू बी हेल्प्ड बाय मनी विद मी, बाय मी विद मनी, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर क्या जा रहा है, यू आर टू बी हेल्प्ड विद मनी बाय मी, सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर हमारा डी पार्ट जाने वाला। और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं ना
सभी का सिक्सर लग रहा है, वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये भी देखना होता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन सा अप्रोप्रिएट है। जैसे बाय मी ऑब्जेक्ट वाला पार्ट जो हमें सबसे लास्ट में मिल रहा है वो स्ट्रक्चर हमारा सबसे अप्रोप्रिएट होता है। क्या थर्ड वाला करेक्ट नहीं है, यू आर टू बी हेल्प्ड बाय मी विद मनी? बिल्कुल, ये भी अगर ये ऑप्शन में ना होता तो बिल्कुल बी पे ही हम लोग जाते। लेकिन अगर बाय मी आपको लास्ट में मिल रहा है एक ऑप्शन में तो फिर वही आंसर जाएगा, देन गो फॉर इट। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। एंड अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगेन एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। राकेश सा अ सोल्जर लेइंग सीरियसली वॉन्डेड एंड डाइड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स। अच्छा, राकेश ने क्या देखा? राकेश ने देखा एक सोल्जर को जो बहुत ही गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त था, गंभीर रूप से चोट लगी थी उसको, लेटा हुआ था, एंड डाइड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स। अच्छा, पैरलिज्म जैसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कई बार। अब यहाँ पे डाइड होना चाहिए या डाइंग होना चाहिए, ध्यान से समझना इस बात को, डाइड होना चाहिए या डाइंग होना चाहिए? ऑफकोर्स डाइंग जाएगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है, डाइंग शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स। मतलब राकेश ने एक सोल्जर को देखा जिसको चोट लगी थी, जो बुरी तरह से चोटिल हो रखा था, पड़ा हुआ था और मर रहा था एक टाइप से, धीरे धीरे लग रहा था कि ये कुछ ही टाइम में एक्सपायर हो जाएगा, कुछ ऐसा सेंस है यहाँ पे इसका। तो डाइड नहीं बल्कि डाइंग जाने वाला है, और डाइंग जाने वाला है तो आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है, थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं ना, सभी का सिक्सर लग रहा है, वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क योर आंसर। अब यहाँ पे क्या है कि आपको सेनोनिम बताना है, किसका? इनएडवर्टेंट का आपको सेनोनिम बताना है इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। वैसे इनएडवर्टेंट का मतलब होता है असावधान, असावधान या कुछ भी ऐसा जो अनजाने में हुआ, दैट कुड बी इनएडवर्टेंट, उसको भी हम इनएडवर्टेंट से रिलेट कर सकते हैं। तो अनइंटेंशनल, अनजाने में कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, अनजाने में किया गया कुछ भी वर्क वो अनइंटेंशनल है आपका। इनएडवर्टेंट को हम अनइंटेंशनल से सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं और हमारा आंसर बी पार्ट जाने वाला है, थॉटलेस कोई चांस नहीं है। इनसेन की अगर हम बात करें, बेसिकली इनसेन का मीनिंग होता क्या है, अगर हम इनसेन वर्ड की बात करें तो इनसेन का मीनिंग क्या होता है, ये इसका मीनिंग होता है पागल, पागल या बहुत ज्यादा क्रोधित, गुस्से में, कुछ ऐसे भी कभी कभी रिलेट करते हैं इसको, बेसिकली पागल है इसका मीनिंग। और अगर अगर हम बात करें अनइंटेलिजेंट, उसका तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे इनएडवर्टेंट से, ठीक है। सो अब आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है, दैट वुड बी सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं, सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्लैग्रेंट बहुत ही प्यारा सा वर्ड है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क योर आंसर। फ्लैग्रेंट वर्ड का आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है, मतलब एंटोनिम बताना है फ्लैग्रेंट वर्ड का। प्यारा सा क्वेश्चन, बताओ भाई क्या होगा फ्लैग्रेंट का एंटोनिम। बेसिकली फ्लैग्रेंट का जो मीनिंग होता है, फ्लैग्रेंट को अगर हम रिलेट करें तो इसका मीनिंग होता है निंदनीय, निंदनीय, मतलब कुछ भी ऐसा जो निंदनीय है, बहुत ही ज्यादा गलत है, जिसकी आलोचना होनी चाहिए, ठीक है। और ग्रेसफुल का मतलब होता है गरिमापूर्ण, गरिमापूर्ण। तो भाई निंदनीय का अपोजिट तो गरिमापूर्ण हो ही जाएगा ना, फ्लैग्रेंट का अपोजिट तो ग्रेसफुल हो ही जाएगा ना, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, एविडेंट का मीनिंग क्या हो गया, स्पष्ट। लैंग्योर को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब होता है शिथिलता, शिथिलता। अब एक चीज और भी थी, लाइक लैंग्योर वर्ड को हमने इमेज के थ्रू भी याद किया था कि एक एक बहुत ही हेल्दी इंसान है, हैवी इंसान है, तो वो क्या कर रहा है, वो इस तरह से चल रहा है, लड़खड़ा के चल रहा है या किसी सहारे के साथ चल रहा है,
उसको भी हम लैंग्वेज से रिलेट कर रहे थे। बेनिफिट मीन्स लाभ हो गया, तो आपका जो एक्चुअल आंसर यहाँ से जाने वाला है फ्लैग्रेंट के लिए, जो अपोजिट वर्ड सबसे अप्रोप्रिएट है दैट इज ए पार्ट। ए पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, और जो भी ए पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे, हैड ही टर्न डाउन माई ऑफर, मतलब टर्न डाउन का मतलब एक टाइप से अस्वीकार करना, खारिज करना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। ही कुड नॉट बी वेयर ही इज टूडे। अब यहाँ पे अगर हम देखें कुड नॉट बी, इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है, लेकिन अब एक चीज याद रखना कि हैड के साथ जब वी थ्री मिलती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है, हैड के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है तो आगे की क्लॉज में हमें वुड का यूज मिलता है, बेसिकली वुड हैव का यूज मिलता है, बेसिकली वुड हैव का यूज मिलता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये होता है एक्चुअल में स्ट्रक्चर। लेकिन प्रॉब्लम यह है यहाँ पे वुड हैव किसी में है ही नहीं, यहाँ पे वुड हैव किसी में है ही नहीं ऑप्शंस में, तो नो इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है। मे और शुड लगाएंगे नहीं, तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो यही जा रहा है ना, सी वाला, वुड नॉट बी वाला ऑप्शन, समझ गया ना, सबसे अप्रोप्रिएट यही है। ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो वुड हैव होना चाहिए था, लेकिन अब जब सारे ऑप्शन गलत हो एग्जाम में भी याद रखना, तो आपको क्या करना है, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड तो यही मिल रहा है ना थर्ड वाले में, तो वुड वाले पार्ट को ही आप प्रेफरेंस देंगे और आपका यहां से आंसर जाएगा थर्ड पार्ट। हैड ही टर्न डाउन माई ऑफर ही वुड नॉट बी वेयर ही इज टूडे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्वालम। अच्छा क्वालम की अगर हम बात करें, वैसे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वुड नॉट बी ही सबसे अप्रोप्रिएट भी लग रहा है आप अगर देखें तो ध्यान से, कि मतलब अगर उसने मेरे ऑफर को क्या कर दिया होता, खारिज कर दिया होता, या मेरे ऑफर को एक्सेप्ट ना किया होता, तो वो उस पोजीशन पे नहीं होता जिस पोजीशन पे आज वो है। तो होने के सेंस में वुड नॉट बी ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। चल आगे बढ़ जाते हैं क्वालम। क्वालम वर्ड का आपको क्या बताना है, यहाँ पे बीस्ट एक्सप्रेस मतलब सैनोनिम बताना है क्वालम वर्ड का। तो सबसे पहले तो क्वालम को जानना जरूरी है कि क्वालम का मीनिंग क्या होता है। क्वालम को हम आशंका से रिलेट कर सकते हैं, आशंका या संदेह, आशंका या संदेह से हम रिलेट कर सकते हैं क्वालम को, ठीक है। आशंका या संदेह से हम रिलेट कर सकते हैं क्वालम को, एक टाइप से आप इसको अनिच्छा से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जिस चीज में हमें संदेह होता है, आशंका होती है कि ये नहीं हो पाएगा, उसी में कहीं ना कहीं डिसइंटरेस्ट भी आता है हमारे अंदर से, अनिच्छा भी आती है, ठीक है। तो क्वालम का जो सबसे सर्टेनिटी मतलब निश्चितता हो गया, ये तो अपोजिट हो जाता है इसका, इजी काम शांत हो गया, रिलेक्टेंस सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि रिलेक्टेंस वर्ड का जो मीनिंग होता है, अगर हम रिलेक्टेंस को रिलेट करें तो इसका मीनिंग होता है अनिच्छा, अनिच्छा, अनिच्छा मतलब अंदर से इच्छा का ना होना, दैट इज कॉल्ड रिलेक्टेंस। तो आंसर आपका ऑफकोर्स डी पार्ट जाने वाला है, फोर्थ पार्ट वुड बी दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं रफिल, बहुत ही प्यारा वर्ड है रफिल। रफिल वर्ड का आपको क्या बताना है, सैनोनिम बताना है, बेस्ट एक्सप्रेस में सैनोनिम बताना है। तो रफिल का सैनोनिम क्या होने वाला है ये हमें बताइए फटाफट, देखिए अपने अकॉर्डिंग और पिक करिए अपना आंसर। सबसे पहले तो रफिल का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है कि आखिर रफिल का मीनिंग क्या होता है। रफिल का मीनिंग होता है अस्त व्यस्त करना, सब कुछ अस्त व्यस्त कर देना, एक टाइप से स्कैटर कर देना, दैट इज कॉल्ड रफिल, ठीक है। अब अगर मुझे अपोजिट वर्ड चाहिए तो डिसकम्पोज, कंपोज संकलित करने से हम रिलेट करेंगे, तो डिसकम्पोज मतलब अलग अलग करना, तो एक टाइप से अगर हम देखें अस्त व्यस्त करने से आप रिलेट कर सकते हैं। सैनोनिम की बात करें, ऑर्गेनाइज इसका सैनोनिम हो जाता, एंटोनिम हो जाता है, ठीक है। सैनोनिम इसका डिस्कम्पोज ही होने वाला है। ऑर्गेनाइज स्ट्रेटन मतलब सीधा करना, स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, स्टिमुलेट करना सामने वाले को, उत्तेजित करना, कोई चांस नहीं है। आंसर आपका जाने वाला है डी पार्ट, सॉरी सी पार्ट, थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ जाते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। फोर अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर द क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड मार्क योर आंसर। अब यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे फिलर में फिल करना है, करेक्ट अल्टरनेटिव अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है, अप्रोप्रिएट बेसिकली प्रीपोजिशन फिल करनी है। यहाँ पे क्या होगी, ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन डैश रशियन। अब यहाँ पे बेसाइड का मतलब होता है पास और बेसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। बेसाइड और बेसाइड्स का डिफरेंस समझते हो ना, लाइक ही सेड बेसाइड मी, वो मेरे पास बैठा, तो यहाँ पे मैंने बेसाइड का यूज किया। बेसाइड्स का मीनिंग क्या होता है, के अलावा, लाइक बेसाइड्स अ कार ही हैज अ बाइक, कार के अलावा उसके पास बाइक भी है। सेम कंडीशन यहाँ भी है, ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन बेसाइड्स रशियन, मतलब रशियन के अलावा उसे फ्रेंच और जर्मन भी आता है, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। बेसाइड का कोई चांस नहीं है, असाइड का कोई चांस नहीं है, इफ भी गलत हो जाएगा। आंसर आपका बी पार्ट जाने वाला है, सेकेंड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, ऑडियस। ऑडियस काफी प्यारा वर्ड है, ऑडियस वर्ड का आपको क्या बताना है, सैनोनिम बताना है। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस, मतलब सैनोनिम बताना है आपको ऑडियस के लिए। तो ऑडियस का सबसे पहले तो मीनिंग जान लेते हैं। ऑडियस का मीनिंग होता है घृणित, घृणित, और ये घृणित मीनिंग कहीं ना कहीं लोथसम के लिए भी होता है यूज, ठीक है। तो ऑडियस के लिए सबसे अच्छा जो अप्रोप्रिएट सैनोनिम जाएगा दैट इज बी पार्ट, लोथसम वुड बी देयर। डिलाइटफुल मतलब सुरम में प्यारा मधुर, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं डिलाइटफुल। एट्रेक्टिव कोई चांस नहीं है। बर्डन सम मतलब बोझिल से आप रिलेट कर सकते हैं बर्डन सम को, इसका भी कोई चांस नहीं है। आंसर हमारा जाने वाला है सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट वुड बी दी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द ईडियम फ्रेज, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज एंड मार्क योर आंसर। अब यहाँ पे है क्या कि एक ईडियम दिया हुआ है आपको, एक ईडियम दिया हुआ है आपको, और आपको बताना है इसका मीनिंग क्या होगा। टू बी इन हाई स्पिरिट्स, हाई स्पिरिट्स को अगर हम रिलेट करें तो कोई बंदा बहुत ही ज्यादा खुश है, बहुत ही ज्यादा हैप्पी है, लाइक आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जाम यू आर इन द हाई स्पिरिट्स, एग्जाम क्वालिफाई करके आप बहुत ही ज्यादा अंदर से खुश थे, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे टॉकेटिव की बात करें, बातूनी कोई चांस नहीं है, ड्रंक कोई चांस नहीं है, अनकंट्रोलेबल का भी कोई चांस नहीं है, चीयरफुल जाएगा आपका आंसर, एक्सट्रीमली हैप्पी। टू बी इन हाई स्पिरिट्स को हम रिलेट कर सकते हैं, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। आंसर हमारा सेकेंड पार्ट जाने वाला है, सेकेंड पार्ट वुड बी दी 100% करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क योर आंसर। आपको मोस्ट अपोजिट वर्ड चूज करना है किसके लिए, रेलिंकिश के लिए। देखो रेलिंकिश वर्ड की बात करें तो इसका मीनिंग होता है छोड़ना, छोड़ना या फिर त्यागना, छोड़ना या त्यागना, कुछ ऐसे हम रेलिंकिश को रिलेट कर सकते हैं। तो अब यहां से अगर हम देखें, हाँ हमें क्या चाहिए, अपोजिट वर्ड चाहिए। अबंडन मीन्स भी छोड़ना या त्यागना होता है, तो इसका तो कोई चांस है नहीं, ठीक है। अबंडन का मतलब भी छोड़ना या त्यागना होता है। अब रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना, ठीक है, इससे हम सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। रिक्विजिट की मीन्स आवश्यक हो गया, और कंप्लायंस को रिलेट कर सकते हैं, कंप्लायंस से रिलेट कर सकते हैं सीधे सीधे। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा रिटेन, मतलब थर्ड पार्ट आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर जाएगा। रिलिंकिश मीन्स छोड़ना या त्यागना, और रिटेन मीन्स क्या होता है, बनाए रखना। अगर अपोजिट वर्ड की बात करें तो, अगर हमसे सैनोनिम सपोज पूछ लेता तो फिर हम अबंडन की ओर बढ़ जाते, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, कोई बंदा जो रिकवर हो रहा है इलनेस के बाद में, उसको एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले डेक्स्टरस, बहुत ही प्यारा वर्ड है। डेक्स्टरस का मतलब होता है कुशल,
डेक्सटर्स को हम कुशल से रिलेट कर सकते हैं। कॉन्वलसेंट को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब होता है स्वास्थ्य लाभकारी, लाभकारी कुछ ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। अब चौविनिस्ट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है अंध राष्ट्रवादी, अंध राष्ट्रवादी चौविनिज्म से रिलेट कर सकते हैं इसको। और डेबनर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है अनुग्रह पूर्ण, कुछ भी ऐसा जो अनुग्रह पूर्ण है उसको हम डेबनर से रिलेट कर सकते हैं। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ से रिकवर करने की बात हो रही है, तो कॉन्वलसेंट सबसे अच्छा वर्ड है यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। हमारा जो अप्रोप्रिएट आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सेकंड, सेकंड पार्ट वुड बी आर 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर एंड मार्क योर आंसर करस्पॉन्डिंग टू अप्रोप्रिएट लेटर ए बी सी। इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर करस्पॉन्डिंग टू डी। यहाँ पे करना क्या है, हमें करना बस इतना सा है कि आपको एरर डिटेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है एरर है, तो अगर आपको लग रहा है कोई एरर नहीं है, इन दैट द पर्टिकुलर केस यू नीड टू पिक डी एज नो एरर। अब यहाँ पे माई फादर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू वंस ड्यूटीज, मतलब मेरे फादर का ये कहना है कि एक इंसान को अपनी ड्यूटीज के प्रति हमेशा क्या होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, कुछ ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, वन माई फादर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू वंस ड्यूटीज। अगर आप ध्यान से देखें तो थर्ड पार्ट में ही हमें बीमारी दिख रही है, थर्ड पार्ट में ही बीमारी दिख रही है। आप वंस से इसको रिलेट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को देखें अगर हम, ठीक है, तो थर्ड में अगर हम देखें, पहली चीज तो माई फादर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू वंस, वंस ड्यूटीज से ऐसे कुछ है, इस तरह से आप स्ट्रक्चर को रिलेट कर सकते हैं। मीन्स अल्टीमेटली आपका आंसर हर कंडीशन में कौन सा जाने वाला है, थर्ड पार्ट आपका आंसर जाने वाला है, मीन्स सी पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चल आगे अगर हम देखें, डू यू अप्रेस एनी डिफिकल्टी इन योर नेबरहुड आफ्टर द रिसेंट थेफ्ट। अच्छा, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, डू यू अप्रेस एनी डिफिकल्टी, अप्रेज को अगर हम रिलेट करें, देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले तो अप्रेज का अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब मूल्यांकन करने से हम रिलेट कर सकते हैं अप्रेज को। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अप्राइज वर्ड आना चाहिए, यहाँ पे अप्राइज वर्ड आना चाहिए, और अप्राइज का मतलब होता है अवगत होना, जानकारी में आना, कुछ ऐसे आप अप्राइज को रिलेट कर सकते हैं। अप्रोच पहुंचने से रिलेट करेगा, एप्रीहेंड का मतलब होता है पकड़ना या गिरफ्तार करना, बहुत ही प्यारा वर्ड है पकड़ना, पकड़ना या गिरफ्तार करना। आंसर हमारा क्या जाने वाला है, आंसर हमारा क्या जाने वाला है, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर हम पिछले क्वेश्चन पे जाएं, माय फादर सेज दैट वन शुड बी शुड ऑलवेज बी सिंसियर, टू की जगह पे हम टुवर्ड्स का यूज करेंगे, उस केस में भी ये ज्यादा अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर जाएगा। मीन्स अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है वो थर्ड पार्ट भी है, टू को हम टुवर्ड्स से रिप्लेस करेंगे तब ये स्ट्रक्चर ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। चल आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क योर आंसर। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया, ठीक है,
नौसिखिया मतलब किसी फील्ड में जो क्या है बेगनर है, बेगनर है, नई नई शुरुआत करने वाला बंदा है, उसको हम नोवाइस से रिलेट कर सकते हैं। अब एक्सपर्ट का तो कोई चांस है नहीं, स्पेशलिस्ट का भी कोई चांस नहीं है, जर्नलिस्ट गलत हो जाएगा। अब एक्सपर्ट तो अपोजिट हो जाएगा ना, एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट जो है वो तो अपोजिट हो जाएगा, नोवाइस मीन्स नौसिखिया होता है, तो बिगिनर से आप इसे सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं। डरलस, अब डेलरस की अगर हम बात करें, बहुत ही प्यारा वर्ड है, आपको क्या चाहिए, आपको इसका सैनोनेम चाहिए। डेलरस की अगर हम बात करें तो आपको इसका सैनोनेम चाहिए। सबसे पहले डेलरस का मीनिंग क्या होता है, दैट इज द बेसिक थिंग। डेलरस को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब होता है बेहोश, बेहोश, मदहोश, खोया हुआ पूरी तरह से, ठीक है, वैसे आप रिलेट कर सकते हैं डरलस को। या फिर किसी को कुछ बात समझ ही नहीं आ रही, उसको कोई कुछ भी समझ रहा है, उस समझाने की कोशिश कर रहा है, उसका दिमाग खराब हो रखा है, वो अपनी बात सुन रहा है, दूसरे की बात ही नहीं सुन रहा, उसको भी हम डरलस से रिलेट कर सकते हैं। तो अब इसके लिए अगर हम बात करें मैनिएकल, मैनिएकल की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर वर्ड में, तो मैनिएकल का मीन्स होता है सनकी, सनकी। तो डेलोरस को हम मैनिएकल से सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं। साउंड स्वस्थ से रिलेट हो सकता है, रिजनेबल उचित से रिलेट कर सकते हैं हम। जियोपार्डाइज की बात करें तो जोखिम, जोखिम या खतरा या जोखिम में डालना, कुछ ऐसे इसे हम रिलेट कर सकते हैं जियोपार्डाइज को। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 99। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही अवॉइड्स, इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना था, ठीक है, इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है। देखो अवॉइड के बाद आपको इन जनरल जीरेंड मिलता है, तो स्पीक नहीं बल्कि स्पीकिंग आने वाला है वहां पे, और अगर स्पीकिंग आने वाला है तो आंसर आपका क्या जाने वाला है, ए पार्ट, ए पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है। और स्ट्रक्चर क्या किया हमारा, ध्यान से समझना, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा, आंसर आपका फर्स्ट पार्ट जाएगा, टू टेल मी, सेइंग टू मी, नो इम्प्रूवमेंट, कोई चांस नहीं, आंसर आपका ए पार्ट जाने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इट इज ओनली 3 days ago, it is only 3 days ago that he has arrived. अब यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखें तो that का यूज अपने आप में सुपरफ्लूस, सीधे सीधे कनेक्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर को हमारे से, it is only 3 days ago he has arrived, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा, तो ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट बनने वाला है। सो आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप आज की स्पीड टेस्ट से आपने कई नए नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, कई नए नए वर्ड्स आपको मिल गए होंगे इस स्पीड टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट स्पीड टेस्ट पे बात करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स या न्यू वर्ड्स आपको मिले हैं उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए और अपने आप को अपने एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार करिए। याद रखिए, जितना ज़्यादा आप अभी एफर्ट लगा लेंगे, जितना अच्छे से आप अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेंगे, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होने वाला है, उतना ही अच्छा आपका स्कोर होने वाला है। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।